अरे आ गए तुम दोनों। क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई है। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो मैं दादी बनने वाली हूँ? अच्छा, क्या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह खैरियत से दिन लेकर आए। जरूर जरूर इंशाल्लाह, आपको भी बहुत मुबारक हो रिफत। इसे क्या हुआ? शायद थक गई होगी। अच्छा सुनो निहाल, अब मेरी बहू का ना तुमने बहुत ख्याल रखना है और इससे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सुन लिया तुमने? निहाल बेटा, अगर लड़ाई झगड़ा हो ना तो प्यार से समझाना। इस कंडीशन में माँ अगर गुस्सा करे तो बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। अरे आप लोग तो बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गए हैं दोनों। तो और क्या, अभी तो करीम को जब पता चलेगा वो तो दीवाने ही हो जाएंगे। करीम भाई तो वैसे भी बच्चों के दीवाने हैं। मिद्दत, तुम्हें याद है अम्मा क्या कहा करती थी कि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। भाई आप लोगों ने तो अभी से नानी और दादी वाली बातें शुरू कर दी हैं। अरे तुम लोग हमें नानी दादी बना रहे हो तो क्या अब हम नानी और दादी वाली बात भी ना करें? और क्या भाई, मैं तो रमशा का बेबी शावर इतने धूमधाम से करूंगी ना कि तुम देखते रह जाओगे। पूरे खानदान वालों को इनवाइट करूंगी। आप लोग ऐसा करें, अपना यूनिट प्लान करें, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह ऑफिस जाना है, सो मैं जाके रेस्ट करता हूँ।